नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी के थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ। और कल के लिए मतलब 16 जनवरी 2019 के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स चुना है, उसका आप लोग को व्यू दिखाऊंगा। तो इसके बाद मैंने कौन सा स्टॉक्स में 100 डे EMA का स्ट्रेटजी फॉर्म हुआ है वो दिखाऊंगा, और इनसाइड द बट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी NR4 NR7 और कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊंगा, और फिबोनाची स्ट्रेटेजी का भी बताने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो आप लोग अंत जो देखिए और जैसे जैसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये सब ये जो वीडियो है ये मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ ये मिल जाएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के डायरेक्शन वो भी मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी मिल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बहुत सारे चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो आप लोग देख सकता है। ये फाइल कैसे स्किन कर सकता है, फाइल में क्या क्या है, कैसे स्किनिंग कर सकता है, ये फाइल को मोस्ट इफेक्टिवली कैसे आप लोग यूज़ कर सकता है, ये सब चीज़ भी है। तो वीडियो आप लोग को देखने से ये फाइल आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसमें देखिए मैंने बाइस लेवल 1 2 3 रहता है, तो इसमें बाइस लेवल मैंने ये देखिए ये स्टॉक सुना है, इसका बाइस लेवल 1 दिखाता हूँ। ये बाइस लेवल 1 है, आप लोग इधर से देख सकता है। तो इधर ये इसका बाई एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ, और सेल का एंट्री लेवल भी बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। ये है बाई लेवल एंड सेल लेवल 1। तो इसमें गैप अप और गैप डाउन का आप लोग को कंसिडर कर लेना है। मैंने टुडेज परफॉर्मेंस पर वीडियोस और रोज बनाता हूँ, उसमें आप लोग देखेंगे तो गैप अप गैप डाउन को कैसे कंसिडर करना है वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। सोच लीजिए मार्केट 486.45 के ऊपर ओपन हुआ है, लेकिन 486.80 तक गया है, तो आप लोग फर्स्ट टारगेट 487.37 या 40.35 ऐसा आएगा, और इसके ये इसका नज़दीक रहेगा तो इसका सोच लीजिए 486.90 या 488 ऐसा कुछ 488.10 ऐसा कुछ ज़्यादा, तो नेचुरली आप लोग समझ सकता है कि ये इसका लेवल जब ऊपर जाएगा तब आप लोग एंट्री लेंगे। और इसके बाद मैंने वैसे लेवल 2 दिखाऊंगा। इसमें आप लोग ये देखिए भाई का यहाँ पर भाई अब उसके बाद टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 सेल सेल बिलो टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3। और मैंने इसके बाद बाइस लेवल 3 दिखाऊंगा। ये बाइस लेवल 3 में R1 है बाई एंट्री लेवल और S1 है सेल एंट्री लेवल, और इसका पिवट पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकता है। इसमें ये भी अब स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है बाई और सेल लेवल। बोलिंजर मिड बैंड बोलिंजर अपर बैंड और बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, प्राइस चैनल का वैल्यू नोट कर सकता है, अपर बैंड मिड बैंड और लोअर बैंड का और टीरॉन लेवल का वैल्यू नोट कर सकता है, क्योंकि ये सब आप लोग को एक एक एंट्री पॉइंट हो सकता है बाई इसका ऊपर और नीचे आप लोग का बाई और सेल लेवल एंट्री लेवल हो सकता है। और इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा। और ये जो फाइल है मेरा, इसमें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ, और आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। तो उसके बाद आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग इस पेड सर्विस ले सकता है, और इसका लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सैम्पल फाइल, ये अपडेटेड फाइल नहीं है, सैम्पल फाइल जो डाउनलोड करने का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, वो अपडेटेड ऐसा अपडेटेड नहीं है, लेकिन आप लोग को उसमें क्या क्या है उसमें आप लोग को पता चल जाएगा, और बहुत सारा इम्पोर्टेंट वीडियो का लिंक है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए ये बेनिफिट है, बेनिफिट का फ्यूचर्स लेवल का बाई एंड बाई बाई सेल लेवल बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाता हूँ। और बाई सेल लेवल 2 दिखाता हूँ, और बाई लेवल सेल लेवल का 3 दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट आप लोग नोट कर सकता है, प्राइस चैनल नोट कर सकता है, और टीरोन लेवल का वैल्यू नोट कर सकता है। और इसमें कमोडिटी का दिखाऊंगा लेवल बाई बाई वन से बाई से लेवल 1 2 और 3
आप लोग पॉज करके देख सकते हैं वीडियो। और भी कुछ बाकी रहेगा कमोडिटी का? इसके बाद कुछ फीचर्स का लेवल ऐसे ही दिखा देता हूँ आप लोग को, जस्ट आप लोग को ऑब्जर्व करने के लिए। आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकता है, इसमें आप लोग मतलब ऑन लेवल ही दिखाया। उसके बाद मैंने 100 डे EMA का जो स्ट्रेटी, 100 डे मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटेजी बनाया उसको भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए कौन सा में फॉर्म हुआ है। सोच लीजिए ACC में जो 100 EMA का स्ट्रेटेजी है कि 100 EMA इसका हाई और लो का बीच में रह जाएगा, किसी भी जगह से 100 डे मूविंग एवरेज इसको ये हाई आज का हाई और लो को काट करेगा आज का कैंडल का। तो कल जब ये हाई और लो ये तोड़ेगा तो इसका मूवमेंट अच्छा मिलता है, तो इसीलिए ये एक स्ट्रेटेजी बन गया है। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ ACC में। ACC में देखिए ये जो 100 डे का मूविंग एवरेज है आप लोग इधर देख सकते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज ये कैंडल को काट किया है, तो इधर ये टच किया है आप लोग देख सकते हैं इस लोअर रोड में। तो इसका जब हाई लो तोड़ेगा तो अच्छा प्रॉफिट देने का पॉसिबिलिटी है, वो मोस्टली देता है। और इसमें कौन सा है आप लोग नोट कर सकते हैं। और देखिए मैंने जो इंसेंट द बार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाया है इसमें आप लोग, मैंने कम दिखाया, उधर और भी 100 डे स्ट्रेटजी है, लेकिन जो लोग पेड सर्विस मतलब फ्री ट्रायल में पेड सर्विस लेंगे उसको ये पूरा फाइल मिल जाएगा, और लाइव मैक में टाइम टू टाइम अपडेट भी मिल जाएगा। आप लोग फ्री ट्रायल में भी ज्वाइन हो सकता है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पे। और इधर देखिए इनसेट द बार NR4 NR7 स्ट्रेटजी, इनसेट बार 1 डे और 2 डे का हिसाब से जब बनेगा तो इसका 1 डे का जो प्रीवियस कैंडल है आज का कैंडल का अगला दिन का आज का कैंडल जो है उसका अगला दिन का कैंडल का हाई और लो जब ब्रेक होगा तब आप लोग को ट्रेड लेना है। और 2 डेज का जो इंसेंट बार है उसका जो आज का कैंडल का छोड़ के दो कैंडल मतलब आज का कैंडल का छोड़ के जो अगला दिन का कैंडल उसका अगला दिन का कैंडल मतलब दो कैंडल आप लोग को देख जो हाई लो है उसका आप लोग को देखना पड़ेगा। एक देखता हूँ आज कुछ निकला है, हाँ ये तो निकला है इन्फी। तो देखिए इसमें देखिए जो ये जो कैंडल है ये आज का कैंडल है, ये कैंडल का अंदर ये दो कैंडल रह गया है, 1 डे का कैंडल और करंट कैंडल इसका रहेगा। तो इसका हाई लो जब तोड़ेगा तो इसमें आप लोग को एंट्री लेना है। और जब 1 डे का हिसाब से जो बनता है तो सोच लीजिए ITC का जो बनता है, तो ITC का जो ये देखिए आज का कैंडल इस अगला दिन का कैंडल का अंदर रह गया, मतलब हाई और आज अगला दिन का हाई और लो जो है उसका आज का कैंडल का हाई उससे कम है और लो इससे ज़्यादा है। तो इसीलिए तो इसका जो हाई लो जब अगला दिन का कैंडल का हाई लो जब ब्रेक होगा 1 डे का और उसका ब्रेक ट्रेड लेना है। और NR4 और NR7 का केस में करंट जो कैंडल है ये जो कैंडल है आज का कैंडल है उसका हाई लो ब्रेक करने से आप लोग को ट्रेड लेना है। तो ये अच्छा काम करता है, आप लोग को परफॉर्मेंस वाला वीडियोज़ भी आप लोग को दिखाया है। और इसके बाद हायर लो आप लोग देख सकते हैं इसमें, सोच लीजिए कुछ भी आप लोग देख सकते हैं। LIC हाउसिंग फिनांस, LIC हाउसिंग फिनांस में हायर हाई हायर लॉस 3 दिन का हिसाब से हायर हाई हायर लॉस बना है, ठीक से नहीं आया तो ज़्यादा